तो दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट रूम हीटर इन इंडिया और अपने लिए एक बहुत अच्छा OFR लेना चाहते हैं, यानी कि ऑयल फील्ड रेडिएटर लेना चाहते हैं या फिर स्पेस हीटर लेना चाहते हैं जिसे हम ऑयल हीटर भी कहते हैं, ये वीडियो देखे बिना आप मत लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ क्या क्या आपको चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए एक ऑयल हीटर खरीदने से पहले, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है ये बताऊंगा। साथ ही साथ आपको 3 बेस्ट ऐसे ऑयल हीटर्स बताऊंगा, अगर उनमें से आप कोई भी परचेस करते हैं तो आपका डिसीजन बहुत सही होगा और आपको 20, 25, 30 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा अच्छा सर्विस आपको मिलने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऑयल फील्ड हीटर के बारे में ये सारी बातें, ये वीडियो देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरु इंडिया। मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना है और आपकी शॉपिंग को बहुत इजी कराना है। तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब को बटन दिया है उसे दबा दीजिएगा और शॉपिंग गुरु इंडिया फैमिली से जुड़ जाइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो ऑयल फील्ड रेडिएटर होता है या फिर ऑयल हीटर जो होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है हीटिंग के लिए अपने घर में। अगर आप बेस्ट हीटर ढूंढ रहे हैं फॉर होम तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। तो चलिए सीधे बात कर लेते हैं प्रोस के बारे में, यानी कि फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा इस हीटर का ये होता है कि अपने जो रूम की ऑक्सीजन है उसका डिप्लॉयमेंट नहीं करता है, रूम की ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करता है। और इसके अलावा जितने भी हीटर्स होते हैं, जो इंफ्रारेड वाले होते हैं, जो ब्लोवर टाइप वाले होते हैं जिसमें फ़ैन लगा होता है, वो ऑक्सीजन का कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन धीरे धीरे आपका रूम जो है उसमें डिप्लाई होने लगती है। तो ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है कि ऑयल हीटर अगर आप लेते हैं तो ऑक्सीजन जैसी आपके रूम में है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। दूसरे फायदे की अगर बात करें तो दूसरे जो हीटर्स आप चलाते हैं उसमें ड्राई एयर का प्रॉब्लम होता है और उसे आप कंटिन्यू बहुत टाइम तक नहीं चला सकते। और वहीं अगर बात करें OFR के बारे में तो इसमें ड्राई एयर भी नहीं होती है, तो आप अगर कंटिन्यू उसे यूज़ कर रहे हैं हीटर को तो जो एयर का मॉइस्चर है वो वैसा ही बना रहेगा और ये सबसे अच्छा होता है। तीसरा फ़ायदा अगर इसका देखा जाए तो बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है OFR। अगर आपके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी है, नए नए मतलब जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, नॉइसलेस होता है इसका ऑपरेशन, तो अगर आपके रूम में ये चल रहा है बिल्कुल भी आपको आवाज़ नहीं आएगी उस रूम हीटर की। और अगर आप PTC फैन, यानी कि उसके अंदर एक फ़ैन भी होता है, वो अगर चलाते हैं तो हल्का हल्का सा आवाज़ आएगा, लेकिन फिर भी नॉइस फ्री बोला जाता है इसे। तो ये हीटर सबसे बेस्ट माना जाता है अगर आप रूम में इसे पूरी नाइट चलाना चाहते हैं। और साथ में ये जो हीटर्स हैं, अगर आप बंद भी कर देते हैं, पावर चली भी जाती है या फिर आप खुद स्विच ऑफ करते हैं तो भी आराम से 1-2 घंटा बहुत बढ़िया आपके रूम को हीटिंग रखते हैं, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और सबसे आखिरी फ़ायदा इसका ये है कि इसकी जो सर्विस है काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं इस टाइप के हीटर। आप ये मान कर चलो कि 15-20 साल आराम से ये चलते ही हैं, उसके बाद भी अगर आपको कुछ मेंटेनेंस कराना होगा तो इनके स्विचेस चेंज ही कराने होंगे। इसके अलावा इसका जो ऑयल है वो भी अच्छी ग्रेड का होता है और पूरे टाइम बहुत लंबे समय तक ये चलता है। तो इतने सारे फायदे हैं, अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये महंगे आते हैं और अगर आपको बजट 8,000 से 12,000 रुपये के बीच में है तो ही आप इन्हें ले सकते हैं। उससे कम में अगर आप जाएंगे तो मिल तो जाएगा लेकिन उसकी सर्विसेज नहीं मिलेगी, PTC फैन के बिना आएगा और जो भी हम आगे बात करेंगे वो पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता है। लेकिन अगर आप 8,000 से 12,000 के बीच लेते हैं तो आप बहुत अच्छा ऑयल फील्ड रेडिएटर अपने लिए ढूंढ सकते हैं। सबसे आखिरी कौन इसका ये है कि ये एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, यानी कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है, लेकिन उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर सेटिंग्स भी आती है, 3 सेटिंग्स। तो आपको कम वोट पे चलाना है तो भी आप चला सकते हैं, मीडियम वोट पे चलाना है तो भी आप चला सकते हैं, और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो फिर तो बिजली का बिल देना अच्छी बात है, अपनी हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए। तो आप इसे फुल पे चलाएंगे तो आपकी बिजली का जो यूनिट है वो बहुत जल्दी फास्ट बढ़ेगा। दोस्तों, अब छोटी सी ऑयल हीटर बाइंग गाइड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके अंदर ऑयल हीटर के अंदर फिन्स होते हैं और उस फिन्स में ही ऑयल मूव करता है, गर्म ऑयल मूव करता है और उससे ही धीरे धीरे हीटिंग एनर्जी डेवलप होती है, अपने घर को हीट करता है। तो फिन्स की अलग अलग साइजेस डिपेंड करती है और अलग अलग साइज से आपके रिजल्ट्स भी अलग अलग मिलते हैं। 3 टाइप के फिन्स की साइज होती है, 9 फिन्स वाला, 11 फिन्स वाला और 13 फिन्स वाला। तो 9 फिन्स वाला जो रेडिएटर है, हीटर है, वो माना जाता है 150 स्क्वायर फीट रूम के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसे अगर छोटे रूम में यूज़ किया जाए तो काफ़ी बढ़िया इसके रिजल्ट्स आते हैं। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो 11 फिन्स वाला माना जाता है, और 11 फिन रेडिएटर अगर आप लेते हैं तो आपकी जो रूम की साइज़ 200 स्क्वायर फीट या 250 स्क्वायर फीट भी है तो ये रूम हीटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं।
और मोस्टली यही लोग परचेस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा चलते भी हैं। तीसरे टाइप का जो रूम हीटर होता है 13 फिंस का होता है, और ये अगर आपकी फैमिली साइज़ बड़ी है, आपको हॉल में यूज़ करना है, आपके रूम की साइज 250 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है, तो आप फिर 13 फिंस वाला ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो फिंस है वो स्ट्रेट है या फिर कर्व है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। अगर जो कर्व फिंस है तो एक तो लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा लगता है आपका ऑयल फिल रेडिएटर, और साथ में जो सरफेस एरिया है और जो हीटिंग एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी मिल जाती है कर्व टाइप वाले में। और अगर स्ट्रेट वाले भी आपको कम दाम में और अच्छी ब्रांड में मिल रहे हैं तो आपको लेने में कोई हर्ज नहीं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तीसरी बात यह है कि आपको सेफ्टी फीचर ध्यान में देना चाहिए, और दो सेफ्टी फीचर मैंने है। सबसे पहला तो थर्मोस्टेट कट ऑफ होना चाहिए, आपने अगर सेट कर दिया है उतना लिमिट तो उससे ज़्यादा हीटिंग नहीं होना चाहिए, कट ऑफ कर जाना चाहिए। और साथ में टिल्ट ओवर स्विच आता है, तो अगर आपका ऑयल हीटर थोड़ा झुकता है, टिल्ट होता है, तो इमीडिएटली ये बंद हो जाएगा, या फिर गिर जाता है गलती से तो भी इमीडिएटली ये बंद हो जाता है, तो बहुत अच्छा फीचर है। दोस्तों चौथी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वही है कि ऑयल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे अच्छी जो ग्रेड मानी जाती है HD 320 मानी जाती है। और उसके अलावा पांचवी बात यह है कि जो ऑयल हीटर आप ले रहे हैं बहुत बढ़िया इंडियन ब्रांड होनी चाहिए, जो कई सालों से बना रही है और कई अच्छे अच्छे रिजल्ट्स वो दे चुकी है, तो वही ब्रांड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और सबसे आखिरी बात, जो वारंटी है उसकी मिनिमम 2 साल तो होनी ही चाहिए। अगर 2 साल की वारंटी मिलती है और ये सारे पैरामीटर्स मिलते हैं जो बहुत सही होते हैं एक रेडिएटर आप खरीदते हैं, तो दोस्तों बेस्ट ऑयल फील रेडिएटर की लिस्ट में मैंने नंबर 3 पे लिया है केनस्टार का। ये वाला मॉडल बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा ड्यूरेबल डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत लंबी सर्विस है। अगर आपको 9 फिंस में चाहिए तो भी इसका यही मॉडल मिल जाता है, आपको अगर 13 फिंस में चाहिए तो भी आपको यही मॉडल मिल जाता है, और अगर आपको 11 फिंस में चाहिए जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं तो भी आपको यही मॉडल मिल जाता है। और तीनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप अपने हिसाब से जो फिंस जितने टाइप का आपको लेना है वो ले सकते हैं। बात की जाए अगर इसकी वारंटी के बारे में तो आपको इसकी 2 साल की वारंटी मिलती है, और वारंटी के अलावा भी इसकी जो सर्विस है और इसके जो रिजल्ट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ही एक इंडियन ब्रांड है। दोस्तों इस मॉडल में आपको फ्रंट में थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब मिलता है जिससे आप हीटिंग को मिनिमम और मैक्सिमम पर सेट कर सकते हैं, और उसी के ठीक नीचे आपको वॉट सेट करने को मिलता है लो, मीडियम और हाई पे। तो अगर आप लो पे इसे चलाते हैं तो आपका 1000 वॉट लगने वाला है, अगर आप मीडियम पे चलाते हैं तो 1500 वॉट लगने वाला है, अगर आप इसे मैक्सिमम पे चलाते हैं तो आपका मैक्सिमम 2500 वॉट लगने वाला है। और उसी के ठीक नीचे आपको ऑन एंड ऑफ का स्विच मिलेगा और PTC फैन का, तो अगर आप PTC फैन के साथ चलाते हैं तो 400 वॉट आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो ओवरऑल ये जो कंज्यूम करता है, अगर आप इसे हाई पे चलाते हैं और हाई हीट पे और हाई टेम्परेचर पे चलाते हैं तो 2900 वॉट ये कंज्यूम करता है, लेकिन मिनिमम आप इसे 1000 वॉट पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। हाई ग्रेड ऑयल का इसमें यूज़ किया हुआ है जो काफ़ी अच्छी इफिशियंसी देता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। केस्टर व्हील के ऊपर ये माउंट है और काफ़ी अच्छा, आप इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं पूरे घर में। ISI मार्क डी आपको मिलता है और केबल होल्डर इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। पूरा ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें फाइनली इस ऑयल हीटर के प्राइस रेंज के बारे में, तो जो 9 फिन का OFR है उसका जो प्राइस है 7499 रुपीज़। अगर आप 11 फिन्स वाला लेते हैं उसका प्राइस है 8499, और अगर आप लेते हैं 13 फिन्स वाला OFR तो उसका प्राइस आपको मिलता है 9499 रुपीज़। तो ये अभी के प्राइस हैं, इनके प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, तो करंट प्राइस अगर आपको जानना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप जरूर इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट ऑयल हीटर की लिस्ट में हमने नंबर 2 पे लिया है बजाज कंपनी मेजिस्टी का RH11F+, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। तीनों ही फिंस साइज में अवेलेबल है, 9 फिंस में, 13 फिंस में और 11 फिंस में। तो अभी 11 फिंस की अगर हम बात करें तो 2900 वॉट की कैपेसिटी में आता है, और इसमें भी 3 कंट्रोल्स है, आगे बताऊंगा। ये जो है दो साल की वारंटी के साथ में आता है, तो ये भी इसका खास बात है। और दूसरी सबसे खास बात कि ये भी इंडियन ब्रांड है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑयल रेडिएटर एडजस्टेबल थर्मोस्टेट नॉब के साथ में आता है, तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। 3 हीट सेटिंग्स आपको इसमें मिल जाती है, 1000 वॉट, 1500 वॉट और 2500 वॉट। जैसा आपको सेट करना है वैसा आप करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोनों ही सेफ्टी फीचर दिए जाते हैं, सेफ्टी टिल्ट का भी इसमें फीचर है और साथ में थर्मोस्टेट कट ऑफ का भी इसमें फीचर है। तो ये अगर थोड़ा टिल भी होता है तो इमीडिएटली बंद हो जाएगा, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आके ये बंद हो जाता है जिससे ओवरहीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। केस्टर व्हील के साथ में ये आता है तो आप इसे भी इजीली मूव करा सकते हैं। ISI मार्क के साथ में ये आता है और अप्रूव्ड है।
तो दोस्तों बात की जाए अगर प्राइस रेंज के बारे में, तो जो 9 इंच वाला है उसका प्राइस है 8,333 रुपीज़, और जो 11 इंच वाला है यानी कि ये जो भी मैंने बताया इसका प्राइस 9,700 के करीब है, और जो 13 इंच वाला है 10,300 रुपीज़ का आपको पड़ता है। ये अभी के प्राइस हैं, प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, हो सकता है आपको बेस्ट प्राइस मिले। मेरा कहना यही रहेगा इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ जाके आप सारे चीज़ें देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं अपने लिए। दोस्तों बेस्ट ऑयल फील्ड रेडिएटर की लिस्ट में फाइनली नंबर 1 की अगर बात करें, जो आज की तारीख में आप परचेस कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, तो वो है हेवल्स का OFR 9 फिंस, 11 फिंस एंड 13 फिंस। ये तीनों ही मॉडल इसमें अवेलेबल है, बहुत बढ़िया यूनिक डिज़ाइन आपको दिखता है, वाइट कलर में ये मिलता है, इसका एक डार्क कॉम्बिनेशन भी आता है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं, और इसमें सारे ही पैरामीटर्स बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल होते हैं। 11 फिंस की अगर बात करें तो 2900 वॉट्स में आपको मिलता है, 2900 वॉट में यह आता है। 2 साल की वारंटी आपको सारे ही मॉडल्स में मिल जाती है। बात करें अगर इसके अदर फीचर्स के बारे में, तो आपको ऑयल हीटर के फ्रंट में ग्रिप मिलती है, वहाँ से आप इसे ग्रिप करके हैंडल कर सकते हैं। पावर इंडिकेटर मिलता है, उसी के साथ में एक नोब मिलता है जिसमें आप 3 सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको 800 वॉट पे चलाना है आप इसे चला सकते हैं, 1200 वॉट और 2000 वॉट, तो लो मीडियम हाई पे आप इसे सेट कर सकते हैं। दूसरा नॉब जो दिया है वो टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है, आप इसे इजीली टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और एक स्विच जो आपको मिलता है वो PTC फैन ऑन एंड ऑफ करने का स्विच है। अगर आप PTC फैन ऑन रखते हैं तो आपका 400 वॉट ज़्यादा लगने वाला है, अगर आप उसे ऑफ रखना चाहें तो ऑफ भी रख सकते हैं। वेव फिंस इसमें आते हैं, और ये वेव फिंस काफ़ी अच्छे होते हैं, हीटिंग एफिशिएंसी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और रिजल्ट्स भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। ओवर हीट प्रोटेक्शन इसमें भी दिया हुआ है, टिल्ट ओवर सेफ्टी स्विच इसमें दिया हुआ है, व्हील माउंटेड है और आप इसे इजीली पूरे घर में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कार्ड स्टोरेज के लिए इसमें ऑप्शन मिलता है, रेयर सेफ्टी कवर भी आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी प्राइस रेंज के बारे में, तो अगर आप 9 फिंस वाला लेते हैं तो 9,300 रुपीज़ का आपको पड़ता है, अगर आप 11 फिंस वाला लेते हैं तो 10,000 के करीब आपको मिल जाता है, और अगर आप 13 फिंस वाला लेते हैं तो 11,500 रुपये के लगभग आपको मिलता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे बहुत बेस्ट आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों फाइनली यही था वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप कौन सा ऑयल रेडिएटर बाय कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप शॉपिंग गुरु इंडिया फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।